बढ़ेंगे आगे। बल्लभगढ़ के पटेल नगर और प्रेम नगर में अवैध रूप से बनी झुग्गियों को हटाने के नोटिस के बाद मामला गर्मा गया है। झुग्गियों के हटाने के विरोध में सैकड़ों लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। नाराज झुग्गी वासियों का जिला उपायुक्त कार्यालय तक पैदल रोष मार्च कर प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग की ओर से 17 फरवरी तक झुग्गियों को हटाने का नोटिस जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता विनोद मित्तल। विनोद, काफी बड़ी तादाद में जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है, मार्च निकाला जा रहा है और लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है, इस वक्त क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल, मैं आपको पहले यह बताना चाहूंगा, कई दशक से यहाँ ये झुग्गियाँ बसी हुई हैं। चौटाला सरकार में काफी झुग्गियाँ साफ कर दी गई, लेकिन ये झुग्गियाँ कोर्ट के आदेश के बाद बच गई थी और अब इन झुग्गियों को सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने नोटिस सस्पा कर दिया और 17 फरवरी तक आदेश किए हैं इनको हटने के, अपनी झुग्गियाँ खाली करने के और ना हटने पर इनको तोड़ने और इनका पानी जो है जल पानी काटने के भी सिंचाई विभाग ने आदेश कर दिए हैं। इस बात को लेकर इनमें काफी रोष है और जो स्थानीय विधायक है, लोकल विधायक है जो इस विधानसभा के, नरेंद्र गुप्ता, उसके खिलाफ इन लोगों में रोष पनप रहा है। हालांकि नरेंद्र गुप्ता यहाँ पर नहीं है, नरेंद्र गुप्ता अंडमान निकोबार हैं, उनसे बात करने की कोशिश की गई लेकिन वो है नहीं, तो बात होना उनसे संभव नहीं था। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर एक भी झुग्गी तोड़ी गई तो भारतीय जनता पार्टी को इसका अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।